पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इस बार वहाँ का जो गेंदबाज चर्चा में है वो कोई पेसर नहीं बल्कि बाएं हाथ का एक स्पिनर है। सिर्फ 17 साल के पाकिस्तानी स्पिनर फैजल अकरम को कलाइयों के सहारे गेंद टर्न कराने में महारत हासिल है और अब उसका सपना है विराट कोहली का विकेट लेना। आपको बता दें कि फैजल पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से भी खेलकर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। 17 साल के पाकिस्तानी स्पिनर ने नेशनल अंडर 19 वनडे कप में खेले 10 मैचों में 27 विकेट झटके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा शिकार रहे बाबर आजम। बाबर आजम को फैजल अकरम अपना फेवरेट बल्लेबाज भी मानते हैं, लेकिन 22 गज के एरिया में जब ये दोनों आमने सामने हुए तो जीत फैजल की हुई। फैजल अकरम ने बाबर आजम से हुई पहली भिड़ंत में उनका विकेट LBW कर लिया। फैजल ने कहा, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन वकार यूनिस भाई जो हमारे पीछे अंपायर बनकर खड़े थे, उन्होंने ये कहते हुए कि मैं कर सकता हूँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, और जब मैंने बाबर भाई का विकेट लिया उसके बाद तो मेरा विश्वास आसमान की बुलंदी पर था। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच फैजल अकरम फेमस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ऐसा होने की सोच रखते हैं। 17 साल के पाकिस्तानी स्पिनर ने कहा कि अब उनकी नज़र भारतीय कप्तान विराट कोहली के विकेट पर है। फैजल अकरम ने खुलासा किया कि कैसे टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम के जरिए उनके लिए बल्ला स्पॉन्सर किया था। ऐसे में देखना होगा कि इस पाकिस्तानी गेंदबाज का यह सपना कैसे पूरा होता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।